सर एक गल करिए धरने की, बंदी सिंह काफ़ी लंबे समय तो जेलों के बंद ने, वक् वक् बारी मुद्दा जरूर उठ जाता पर कितना कितना ठंडा पै जाता मुद्दा, थोड़े टाइम बाद घेरा मुद्दा चक्या गया चाहे वह, पर बाद च फिर ठंडा पै जाता, क्यों असल दे विच मेरा सवाल है जी मन दे विच, जदों भी कोई होर चाहे चलो सिख कौम है जी सरबत का भला मंगती है, पर कई बार ज होर तरह के किसी होर चीज़ नूं लैके मोर्चा लगता है, सिख उत्थे सहयोग भी दिंदे ने पैसे वजों भी लंगर वजों भी, पर आपदी जिहड़े सिख कौम दे आपदे मसले ने, चाहे बंदी सिंघां दी रिहाई वाला कह लिए, चाहे अपने होर भी सिखां दे बच्चों की पढ़ाई दे कह लिए, उह च क्यों नहीं सिख संगत जुड़दी हैगी, उह क्यों नहीं मुद्दे चकदी कि इत्थे आपां गिणती दे बंदे आ सिख कौम दे जिन्ने क बैठे आ, चलो शाम नूं नौजवान आ जांदे ने, मुद्दा वड्डा है, क्यों नहीं असल दे विच इकट्ठे हुंदे? जिहड़ी अकली इही जी होगी, बुद्धि इही जी होगी भी असीं आपदे वास्ते कुछ कर नहीं सकते, दूजा वास्ते असीं लंगर ला देंगे, दूजा वास्ते असीं वड्डे वड्डे कैंप भी ला देंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, पर असीं आपदे वास्ते कुछ नहीं कर सकते, ये साडी त्रासदी है कौम की। बाबा जी जिवें आपां गल करदे कई बार पंजाब तो बाहर दीआं गल्लां हुंदीआं ने, अज भी उत्थे एक सिंह साहब सुना रहे सी गल्लबात, कहिंदे मेरे कोल श्री साहब सी, कहिंदे मैनूं मैट्रो स्टेशन वेले चढ़ नहीं दित्ता हैगा, चलो चुप करके वह पंजाब तो बाहर से, पंजाब तो बाहर सिख कौम नाल धक्के होंगे ने, पंजाब के बिच भी सिख कौम नाल धक्के होंगे ने, हक नहीं मिल रहे है, तो कह लिए असं आपदे बंदी सिंह भी नहीं छड़ा सकते है, क्यों असल दे विच किवें हल होगा मसला? हुण तुसीं सरसे वाले की गल ला लो जी, ठीक है जी, उन्हें वह 7 तरीक नूं आया, 8-9 तरीक नूं असीं सोचिया भी चलो यार साढ़े दे 30-30 सालों तो बंदे बैठे, ये 2 सालों के ही परोल से आ गया, राजोआणा के डैडी की डैथ हुई, उन्होंने एक घंटे वास्ते कुछ कुछ कदमों से उनकी सिस्टर का घर से, सारे परिवार चों एक कल्ली सिस्टर रह गई है, उनके घर तक भी नहीं जान दिता। शांतमई एक सैड पर तुम बैठे हो, चलो जिन्हें भी जने होंगे हो, की लगता है भी ये असर पेगा? वो लंघिया से इतों रोड शो करके गया से, उतर के साढ़े तक नहीं आ सकिया गड्डी चो, दूरों ही हाथ जोड़ के लंघ गया जी। पंजाबस्तान देखण वाले सारे दर्शकों प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सुखबीर सिंह खड़ियाल तुहाडा स्वागत करदा। जे गल करिए पंजाब दे जम्मे जायां दी, तां कहा जांदा कि जिहड़े पंजाब दे जायां नूं नित मुहिमां, पंजाब का जिहड़ा लोग ने एक मेहमान नवाजी वजों भी जाने जाते हैं, तो दूसरे पक्ष तो आप देखिए पंजाब के लोग संघर्षी ने, अपने हक भी मंगते हैं मोर्चों के बीच कह लिए, इस तरह जिहड़े पंजाब दे विच हुण सिख कौम वास्ते एक बड़ा मुद्दा कह लिए बनया हुआ जी, बंदी सिंघां दी रिहाई का, बंदी सिंघां दी रिहाई तो बाद नूं लैके मार्च हो रहे हैं, कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, धरने लग रहे हैं, ग्राउंड लैवल से कितना कितने कई बार ये चीज़ां नहीं पूरे उपर तक उभर दियां। हुण गल कर रहे जी असीं इस टाइम धनौले खड़े जी, मेन रोड से बस स्टैंड को सिख संगत वालों धरना लगाया जा रहा है जी, धरना वो आप प्रबंधकों नाल जिन्हां वालों धरना लगाया गया उन्हां नाल गलबात करांगे कि की मसला है, क्यों लगाया, किन्ने कु टाइम तो किहदे वालों लगाया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह जी। भाई साहब एक गल करिए धरने की, बंदी सिंह काफ़ी लंबे समय तो जेलों के बंद ने, वक् वक् बारी मुद्दा जरूर उठ जाता पर कितना कितना ठंडा पै जाता मुद्दा, थोड़े टाइम बाद घेरा मुद्दा चक्या गया चाहे वह, पर बाद च फिर ठंडा पै जाता, क्यों असल दे विच? भाई जी गल ये आ, सब तो पहले तो यह सिस्टम भी अपनी सिख कौम अज तक जदों तो देश आजाद होया नया मिलया नहीं, धक्का ही होया कौम नाल, सब तो वध कुरबानियां सिख कौम ने कीतियां इस देश नूं आजाद करवाउण वास्ते, पर अज तक देश नूं देश इस देश सिखां नूं दूजे दर्जे दे शहरियां दे तौर ते मन्निया गया, अज तक किते भी इंसाफ नहीं मिलिया। हुण तुसीं बंदी सिंघां दी मामले च ही ला लो, जे नौजवानां ने जज्बाती हो के हथियारबंद संघर्ष लड़िया, चलो जो गुनाह किया सी उहदे मुताबक उन्होंने सज़ा कट ली, सज़ा कट्टण तो बाद इंसान नूं जेल च रखना गैर कानूनी आ, पर साडे नौजवानां नूं रख्या गया,
अपनिया बनदिया सजावां तो भी दुगना दुगना समा कट्टी बैठे ने, पर फिर भी अज रिहा नहीं किया जा रहा। जे दविंद्रपाल सिंह भुल्लर प्रोफेसर साहब की गल करिए उन्हों का कसूर भी कोई नहीं सी, पर फिर भी उन्होंने बहुत लंबा समा अपनी जिहड़ी जिंदगी दा सीगा जेलां च गुजार लिया। अज उन्होंने रिहा होना उन्हों का हक है, रिहा इदू बहुत पहला बनता सी उन्हों का हक, पर सरकार कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ला के फिर उन्हों की रिहाई रोक दिंदियां ने। कल उम्मीद सी भी अज उन्हों की रिहाई का ऐलान होगा, पर केजरीवाल सरकार ने फिर उन्हों की रिहाई रोकती। तो इन गल्लां नूं मुख रख के ही साढ़े मन च बलबा बलबला उठिया। असी मोमबत्ती मार्च किया, कैंडल मार्च किया, परंतु उस दिन ही साढ़े मन च यह होया भी आपां भी सिंघां वास्ते कोई मोर्चा लाईए, तो पर हजे तक कोई प्रशासनिक अधिकारी साढ़े तक किसी ने पहुँच नहीं की। बैठे ने सिख बैठे ने एक साइड पर, बस इन्हों भी बैठे ने बैठे रहन दो। सवाल है जी मन के जो भी कोई होर चाहे चलो सिख कौम है जी सरबत का भला मंगती है, पर कई बार ज होर तरह के किसी होर चीज़ में लैके मोर्चा लगता है, सिख उत्थे सहयोग भी देंगे ने पैसे वजो भी लंगर वजो भी, पर आपकी जोड़े सिख कौम के आपदे मसले ने चाहे बंदी सिंह की रिहाई वाला कह लिए चाहे अपने होर भी सिखा के बच्चों की पढ़ाई दे कह लिए, उस क्यों नहीं सिखा संगत जुड़ती हैगी, क्यों नहीं मुद्दे चकती कि इतने आप गिणती के बंदे हाँ सिख कौम के जिन्हें बैठे हाँ, चलो शाम नौजवान आ जाते हैं, मुद्दा बड़ा है क्यों नहीं असल इकट्ठे होंगे? बस साढ़े हिस्से लंगर लाने ही रह गया जी, असली गल यह भी असी लंगर लाने जोगरे रह गए। जे तो असी लंगर लाने कि जाके कित भी कोई भी विपता पै जाए असी लंगर लाते फिर तो असी है देश भगत। जे असी आपके हकों वास्ते हक मंगने वास्ते बह गए तो साड़ी कौम का भी सानू पूरा रिस्पोंस नहीं मिलता, तो सरकार से सानू अतवादी बखवादी कहने ही आ। साड़ी कौम भी साड़ा साथ नहीं दिंदी जे असी आपके किसी मसले पर, हूँ ये योधे ने इन्ने सालों के जेलों बैठे ने, किसी का कोई निजी मसला तो है नहीं सीगा, आखिर नूं कौम वास्ते ही लड़े से भी कौम के हकों वास्ते लड़े सीगे। तो अज इन्हां वास्ते मोर्चे जे कितें लग रहे हैं, पंजाब च कई जगह मोर्चे लगे हुए हैं, तो पर पूरा सिख कौम वालों इन्हां नूं रिस्पोंस नहीं मिलता। साढ़े सिख विच तां इही कहिंदे ने इह पैसे इकट्ठे करन नूं बैठे ने, तो मतलब साड़ी जिहड़ी अकल ही इही जी होगी, बुद्धि इही जी होगी भी असी आपदे वास्ते कुछ कर नहीं सकते, दूजियां वास्ते असी लंगर ला देंगे, दूजियां वास्ते असी वड्डे वड्डे कैंप भी ला दें, बहुत कुछ कर लैंदे आ, पर असी आपदे वास्ते कुछ नहीं कर सकते, यह साड़ी त्रासदी आ कौम की। बिल्कुल जी गलबात करिए, सो बाबा जी जिमें आप गल करते कई बार पंजाब तो बहर दल होंगे, अज भी उत्थे एक सिंह साहब सुना रहे गलबात, कहते मेरे को श्री साहब से कहते मैनू मैट्रो स्टेशन वेले चढ़ नहीं दिता है, चलो चुप करके वह पंजाब तो बहर से, पंजाब तो बहर सिख कौम धक्के होंगे ने, पंजाब के बिच भी सिख कौम धक्के होंगे ने, हक नहीं मिल रहे है, तो कह लिए असं आपदे बंदी सिंह भी नहीं छड़ा सकते है, क्यों असल किमें हल होगा मसला? ये देखो जी, पहले नंबर से आप गल करते हैं भी अपने पंजाब तो बाहर धक्के होंगे ने, सब तो मेन गल तो यही है भी अपने पंजाब दे विच ही अपने नाल ज़्यादा धक्के हो रहे हैं, जिहड़ी साडी सिख कौम पिछे पै रही है ये अपने दे ही कारण पिछे पै रही है। सानू हक है, साडे गुरु ने सानू ये श्री साहब दित्ती है, साडा हक बनता अपनी रक्षा वास्ते, असी किते किते कोई गलत यूज नहीं करते, ठीक है, अस सानू तो साडे गुरु ने सेवा लाई है भी तुसी सेवा करो तो सब नूं अपना संदेश पहुँचाओ, तो ये जिहड़ियां गंदियां सरकारां ने ये साड़ी गल ते नहीं असर करदियां। साडे हुण बंदी सिंह ने कोई 32-32, 30-32 साल ये अपनियां सजावां भुगत रहे ने, तो जो चलो असी ते नहीं कहिंदे गल, बाकी चलो जे सरकार ने इहनां ते कोई गुनाह लाए ने वो अपने ये भुगत झले ने, ठीक है जी। सानू साडे गुरु महाराज लो चलो परमात्मा ने सेवा लाई, असी तो एक जिवें जंगल दे विच अग लगी सी ते वो चिड़ी बूंद भर के पानी दी लजांदी सी, असी तो उन्हां चों आ, ठीक है जी। हुण असी तो यही आने सरकारां नूं शांतमई ढंग नाल बैठे हाँ भी साढ़े जिहड़े सजावां भुगत चुके ने उन्हां नूं रिहा किया जाए, तो अपने बच्चों च आण के उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी है वह आराम नाल बतीत करन, तो यही गल्लां ने साडियां, होर कोई असी कोई दहशतगर्द नहीं, कोई अतवादी नहीं, ठीक है। सानू अपने देश दे विच ही नहीं चंगा समझ जांदा, फिर दूजी गल ये कह देंदे ने भी ये लोग ने जिहड़े खालिस्तानी ने ये है, असी एक ही गवर्नमेंटां तों सवाल पुछदे हाँ भी क्यों सानू अतवादी क्यों कहा जांदा है, क्योंकि इन्हां दा कानून कुछ होर है, साडा इसे देश वास्ते कानून कुछ होर है। हुण तुसीं सरसे वाले की गल ला लो जी, ठीक है जी, उन्हें वो 7 तरीक नूं आया, 8-9 तरीक नूं असी ये सोचिया भी चलो यार
ਸਾਡੇ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੋ ਆਣਾ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਇਹ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਰਿਹਾਅ, 3 ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਸ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਪਊਗਾ। ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 100-150 ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ RSS ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ RSS ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕੁਛ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਣੂ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਧਨੌਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।